नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्रपाली विलेज सोसाइटी के बाहर। आज हम इस सोसाइटी के RWA से बात करेंगे, जानेंगे कि सोसाइटी में कोरोना वायरस को लेकर कितनी सुविधाएं, कितनी सावधानियां बरती जा रही हैं। आप RWA के किस पद पर हैं? मैं RWA प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ पे दीपक कुमार, RWA प्रेसिडेंट। तो आपकी सोसाइटी में कितनी फैमिलीज रहती हैं? 1002 फैमिलीज रहती हैं, अप्रॉक्स 5000 रेजिडेंट आर रिजाइडिंग है। जैसे कि आपकी सोसाइटी में रहने वाले किसी रेजिडेंट कुछ अगर चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, तो आप इन हाउस अरेंजमेंट करते हैं? ऑलमोस्ट सारा कुछ इन हाउस अरेंज है हमारे पास। आप देख रहे हैं हमारा सोसाइटी का गेट बंद है, यहाँ पे जितने भी एसेंशियल आइटम हैं सारा कुछ अवेलेबल है सोसाइटी के अंदर। ग्रॉसरी सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है, वेजिटेबल सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है, फ्रूट्स सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है, मिल्क ब्रेड सारा कुछ सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है, मेडिसिन भी सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है। कुछ वैसे मेडिसिन जो कि यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं उसके लिए हम लोगों ने दूसरे मेडिकल शॉप से बात कर रखी है, उनको हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, वो यहाँ पे डिलीवर कर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक ATM की इशू आ रही थी कि समटाइम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी हमने अरेंज किया था। हमने HDFC बैंक से ATM यहाँ पे एक दिन मंगवाया था, तो वो भी पीछे समस्या सॉल्व हो गई थी। तो ऐसा एक मेडिकल रीजन जो किन्हीं को हॉस्पिटल जाना हो किसी इनएविटेबल रीजन की वजह से, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं जो कि सोसाइटी के बाहर किसी को जाना पड़े एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे कि प्रशासन की तरफ से आपको कोई सैनिटाइजर की सुविधा मिल रही है सोसाइटी में? शासन की तरफ से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग खुद ऐसा कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 3-4 बार खुद सैनिटाइज करवाया है, RWA ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बात करके पैसे खर्च करके करवाया है, आज भी हमने करवाया। शासन के तरफ से एक बार पार्षद की तरफ से हुआ था, जो हमारे लोकल पार्षद हैं कपिल त्यागी, उनके तरफ से आई थी वेंट, एक बार वैसा हुआ है, बट एक बार से सफिशियंट नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको बार बार कराया। हमारे पास 32 लिफ्ट हैं सोसाइटी के अंदर, उनको हर एक दो दिन के बीच बाद हम सैनिटाइज करवाते हैं। हमारे पास लड़के हैं वो करते हैं, और जो प्रोफेशनल सैनिटाइजर हैं उनको भी हम बुलाते हैं, वो लोग आके सैनिटाइज करके जाते हैं। तो आपकी सोसाइटी के अंदर जैसे कि ये सिक्योरिटी हैं, तो आप इनका कितना ध्यान रखते हैं? हमारे पास पर डे का अगर आप देखें तो स्टाफ अप्रॉक्स 80 स्टाफ की कैपेसिटी थी, लेकिन हमने उस स्टाफ की कैपेसिटी को कम किया है। हमने ये 15 से 16 स्टाफ के बीच में हम लोग लेके आए हैं। उस 16 स्टाफ में सिक्योरिटी गार्ड भी है, हमारी मेंटेनेंस टीम भी, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, LT पैनल और हाउसकीपिंग स्टाफ भी है। इनको हम सोसाइटी के अंदर ही रखने का हमने व्यवस्था किया है। क्लब हाउस को हमने टेम्प्ररी किचन, टेम्प्ररी रहने का जगह बनाया है, और यहाँ पे कम्युनिटी किचन भी हम लोग इनके लिए 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये यहीं पे रहते हैं, इनका लॉजिंग फूडिंग हम देते हैं, और ये ड्यूटी करते हैं डे नाइट शिफ्ट मिला के। हमने बाकी सारे गेट को बंद कर दिया, सिर्फ एक गेट को खुला रखा है जिससे किसी इमरजेंसी में आना जाना हो, और टावर से गार्ड हटा लिए क्योंकि अभी कोई बाहर से विजिटर नहीं आता, तो टावर पर गार्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ही गार्ड है। इस तरह हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड स्टाफ है। तो आपके सोसाइटी में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, क्या वो लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं? कुछ ऐसे रेजिडेंट हैं जो कि नहीं पालन करते हैं, कुछ ऐसे रेजिडेंट होते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 5000 लोग यहाँ पे हैं, कुछ ऐसे रेजिडेंट हैं जो कि लॉकडाउन का पालन या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, या लॉकडाउन काफ़ी दिनों से हो गया है तो लोग को वॉक करने की बहुत तलब होती है, कुछ लोग वॉक करने के लिए नीचे आ जाते हैं, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ आप लॉकडाउन है, इस वजह से आप वॉक नहीं करें, घर में रहें, इस तरह हम लोग कोशिश करते हैं उनको समझाने की। आपका नाम? मेरा नाम योगिता मुरलीधरन है। योगिता जी, जैसे कि सोसाइटी में लिफ्ट्स हैं, तो आप लिफ्ट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ध्यान रखती हैं? अभी तो जिस तरह से हमारे RWA जिस तरह से सब सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों को निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और लिफ्ट ऑक्यूपाइड रहती ही नहीं, बेसिकली रहती ही नहीं, मतलब सिंगल आदमी या दो आदमी ही रहते, और वो प्रॉपर डिस्टेंस बना के ही लोग रहते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगों को नीचे उतरने की। बहुत ही अच्छे से मतलब सुविधाएँ दी जा रही है RWA की तरफ से हमारे, सो वी आर कीपिंग ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। तो देखा आपने, हमने सोसाइटी के RWA से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि वो अपनी सोसाइटी का सारा अरेंजमेंट इन हाउस कर रहे हैं, मतलब उन्होंने रेजिडेंस का ख्याल रखते हुए अपनी सोसाइटी में सारी सुविधाएं इन हाउस की हैं। मैं पूजा मिश्रा, कैमरामैन अभिषेक तोमर के साथ। ऐसी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक एशिया के साथ।